गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को क्लास टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी अप टू मैंने पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये क्लास टेस्ट में आप जानते हैं जो कि फिल अप द ब्लैंक्स होता है, उस क्लास टेस्ट में आप जो भी ब्लैंक्स है आपको उसके कंसर्निंग जो भी वर्ड है आपको इंसर्ट करना होता है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या है। ऑल्दो वी कैन ऑब्जर्व द हेवीली बॉडीज ऑफ अवर सोलार सिस्टम थ्रू ए टेलीस्कोप, यहाँ पे दो ए टेलीस्कोप नहीं है, THROUGH है, थ्रू है मतलब जिसके थ्रू आप देखते हैं। सो वी कैन ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज, जो भी है सेलेस्टियल बॉडीज आर सोलर सिस्टम के अंदर, थ्रू ए टेलीस्कोप हम देखते हैं। हम जानते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप एक चीज़ होता है जिसे हम थ्रू देख सकते हैं। इट इज़ ओनली एस्ट्रोनॉमर्स, देखिएगा एस्ट्रोनॉमर्स दिया गया है, एस्ट्रोलॉगर्स नहीं। एस्ट्रोलॉगर्स यानी जो आपको प्रिडिक्ट करते हैं, वो लोग पामिस्ट्री जो करते हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी है। और हु कैन ओवरव्यू द डेप्थ्स ऑफ आउटर स्पेस, जो देख सकते हैं आउटर स्पेस में क्या चल रहा है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट दे हैव सीन स्टन्ड गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज होते हैं वो ऐसा होते हैं कि काफ़ी बड़ा होता है और वो देखते हैं ऐसा लगता है कि स्टन हो जाते हैं। स्टन्ड गैलेक्सीज, स्टार्स टेकिंग बर्थ एंड डाई एंड ब्लैक होल्स, आप जानते हैं जो भी स्टार है वो एक बार मरने के बाद मतलब वो ख़त्म होने के बाद उसकी लाइफ वो ब्लैक होल बन जाता है। दे से दैट द डीपर दे लुक इन टू द यूनिवर्स द मोर दे नो हाउ द यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड, जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको ऑरिजिनेशन ऑफ द स्टार या अर्थ जो भी सैटेलाइट्स है प्लैनेट्स है उनके बारे में ईजिली पता चलता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अब ये जो लार्जेस्ट हैड्रन कोलाइडर है जो इसी के प्रति हम लोग ब्लैक होल के इन्वेंशन करने जा रहे हैं। अगला देखें, नो चाइल्ड इज़ ए स्पॉइल्ड बाय बर्थ, कोई भी पैदाइशी स्पॉइल नहीं होता। इट इज़ द फैमिली कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए चाइल्ड ग्रोज अप, ये एक फैमिली कंडीशंस की वजह से वो क्या होता है अंडर विच ए चाइल्ड ग्रोज अप दैट स्पॉइल हिम। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ए मच वॉन्टेड चाइल्ड और द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ मोर प्रोन टू बिकम स्पॉइल्ड, जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ ड्यू टू द पेरेंट्स ओनली, द मच वॉन्टेड चाइल्ड और द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ मोर प्रोन टू बिकम स्पॉइल्ड। सच ए चाइल्ड बिकम्स एरोगेंट एंड इंसोलेंट बिकॉज ऑफ द ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, जब मैक्सिमम ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स जब होता है उस चाइल्ड का जो परंपरा परवरिश है और वो क्या पूरा एरोगेंट हो जाता है, इंसोलेंट हो जाता है। ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, समटाइम्स इट इज़ सीन दैट ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑल्सो टेंड्स टू बिकम ए न्यूजेंस, कभी कभी क्या होता है जो निग्लेक्टेड होता है चाइल्ड वो क्या हो जाता है एकदम बेवर्स हो जाता है, न्यूजेंस हो जाता है। अगला देखिए, स्माइल दे से एंड सून देर विल बी माइल्स एंड माइल्स ऑफ स्माइल्स, इफ़ वी कीप टू आवरसेल्व्स एंड डू नॉट मिक्स विद अदर्स वी शैल बी लेफ्ट अलोन टू पॉन्डर ओवर, जो कि पॉन्डर ओवर आपको टुगेदर यूज़ करनी है, द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ। नोबडी लाइक्स टू कम अक्रॉस ए ग्लम एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, पीपल लाइक ग्रिगेरियस एंड आउटगोइंग सोल्स हु आर प्रिपेयर्ड टू शेयर देयर जॉयज एंड सारोस एंड हैव द फीलिंग टू लाफ एट देयर प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज, द लाफर ब्रिंग्स पीपल क्लोजर वेयर एज कीपिंग टू वन सेल्फ डिस्टेंसेस पीपल, इट हैज़ देयर फोर बीन राइटली सेड दैट लाफर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस बिटवीन टू पर्सन्स, वंस दे सिट टुगेदर द सर्किल ऑफ अक्वाइंटेंस एंड कंसिक्वेंटली फ्रेंडशिप ब्रॉडन्स अस मेकिंग द वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस टू लिव इन, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। जो कि जो लाफिंग के बारे में जो स्माइल के बारे में बताया जा रहा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो भी दिया गया है इसको आप लोग गौर करिएगा। और दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1200 से 50 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, अलग अलग आप चेक कर लीजिएगा। पिछला 1.5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं जिसकी प्रति आप लोग चेक कर सकते हैं, हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एज द बैंक्स कंटिन्यू टू टर्न डाउन लोन अप्लीकेशन फ्रॉम द लो इनकम पीपल इवन वेन दे बैक्ड बाई द स्टेट पॉलिसीज, टर्न डाउन यानी मना कर देना,
और स्टेट पॉलिसीज की वजह से अगर वो व्हेन दे बैक्ड बाय द स्टेट पॉलिसीज द पीपल हैव ग्रोन डिसिल्यूजनड दैट दे कैन अवेल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सब्सिडी फिनेंसिंग। वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से अवेल कर रहे हैं फिर भी स्पॉन्सर्ड सब्सिडी फिनेंसिंग। द एविडेंस इज सच डिसएंचेंटमेंट इज विजिबल आउटसाइड द मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस वेयर रिसेंटली ए ग्रुप ऑफ एजेंट्स स्ट्रोल्ड एमलेसली। जो कि स्ट्रोलिंग क्या होता है, घूमना, एमलेसली ऑन द पेवमेंट्स बिजनेस इज स्लो सेड एन एजेंट हु टेक्स ए कमीशन टू गेट लोन्स अंडर द PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना पास्ड एट द मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस। द लास्ट टाइम आई गॉट ए लोन सैंक्शनड, क्या होता लोन सैंक्शनड, वॉज इन जनवरी। नो वन अप्लाइज फॉर इट दीज डेज बिकॉज इट टेक्स 6 months टू ए ईयर टू प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड वेन यू गेट द लोन अप्रूव्ड द बैंक्स कम अप विथ एक्सक्यूजेस, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए मर्क्यूरी पॉइजनिंग क्या होता है, जो कि वी न्यू दैट एंड इट्स हॉरिफाइंग इफेक्ट्स डेट बैक टू द लेट 1950s। अगर देखेंगे वेन द शिशो कॉरपोरेशन, जो कि आप जानते हैं जापान के अंदर जो हुआ था रिलीज मिथाइल मर्क्यूरी इन द मिनी माता बे, हम जानते हैं देर वॉज अ डिसीज मिनी माता एंड एक बे था वहाँ पे मिनी माता बे में ये हुआ था रिलीज मिथाइल मर्क्यूरी इन द मिनी माता बे कॉजिंग मिनी माता डिसीज इन ह्यूमंस एंड डांसिंग कैट फीवर इन एनिमल्स। आप एनिमल्स के अंदर भी आप देखने को मिला था उस टाइम पे डांसिंग कैट फीवर आपने ऑब्जर्व किया था। जापान हैज़ अवॉइडेड ए रिपीटेशन ऑफ सच इंसिडेंसेस लार्जली थ्रू स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग। वी इन इंडिया ऑन द अदर हैंड लैक अ स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी पॉलिसी टू गवर्न एंड मॉनिटर दीज कंपनीज। दिस ऑल्सो होल्ड्स फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। वी न्यू दैट मिथाइल आइसोसाइनेट विच वॉज हैपेंड इन इंडिया इन द भोपाल, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। सो एज द गवर्नमेंट लेज एम्फोसिस ऑन मेक इन इंडिया एंड ऑन द केस ऑफ डूइंग बिजनेस टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। अगला देखिए पीपल वॉन्ट टू फॉलो लीडर्स हु हैव अ सेंस ऑफ पर्पज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स ए पॉजिटिव आउटलुक एंड एन एबिलिटी टू बी एट ईज विथ योर सेल्फ, नॉट थिंकिंग दैट यू नो द आंसर टू एवरीथिंग। लीडर्स हु थिंक्स दैट ही हैज ऑल द आंसर विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज फॉलोअर्स। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन हिज फॉलोअर्स। द लीडर्स दैट आई एडमायर आर दोस हु लिसन, जो सुनेंगे। लीडर्स हु डोंट लिसन यूजुअली बिलीव दैट दे हैव ऑल द आंसर्स। द ट्रूथ इज दैट नोबडी सो स्मार्ट एंड केपेबल हैज ऑल द आंसर्स टू बी ए गुड लीडर। यू ऑल्सो मस्ट हैव टू एनकरेज पीपल टू लुक अप। पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ यू बिकॉज लीडिंग बाई फियर विल ओनली रिजल्ट इन डिजास्टर। इट इज़ नॉट रियल लीडरशिप एंड यू विल नेवर गेट पीपल टू परफॉर्म एट देयर हाई कैपेबिलिटीज, जो आपको याद होना ज़रूरी है। अगला देखिए डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड ऑल्सो बी सैंक्शन विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट अडिक्ट्स। देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसेक्योर बिकॉज अवर नार्कोटिक्स लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। द ड्रग अडिक्ट्स इज ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस वेन ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ये अलग चीज़ें हैं जो भी ड्रग एडिक्शन के बारे में, डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड ऑल्सो बी सैंक्शन, वो सैंक्शन करना चाहिए विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर नॉट अडिक्ट्स, जो अडिक्ट्स नहीं है वो इसके बारे में डील करनी चाहिए। देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसेक्योर बिकॉज ऑफ आवर नार्कोटिक्स लॉस ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। द ड्रग अडिक्ट्स इज ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस वेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। वॉट मेक्स हिम डेंजरस इज द डेस्परेट नीड फॉर मनी टू बाई द नेक्स्ट डोज। सो वो तब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वेन दे वॉन्ट टू बाई द नेक्स्ट डोज, नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेन दे हैड टेकन द ड्रग, क्योंकि वो बेहोश पड़ा रहता है। अब वंस ही नीडेड द ड्रग देन ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर द मनी एंड ही स्टार्ट गोइंग फॉर दैट। ये प्रॉब्लम होता है नीड फॉर मनी टू बाई द नेक्स्ट डोज। ड्रग्स आर अवेलेबल ओनली इन एन इलीगल ब्लैक मार्केट। द कॉस्ट आर स्टूपेंडस, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, स्टूपेंडस है एंड दिस इज़ वॉट इट ड्राइव्स दैट एडिक्ट्स टू स्टील रॉब एंड इवन वो किल भी करते हैं।
अगला देखिए, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन द माइंड टू थिंक, फॉर दैट रीजन इट इज़ प्राइसलेस, सेड आइंस्टीन. इट इज़ अ फैक्ट दैट द एनेमिक रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सेटअप इज फिट एनफ टू चर्न आउट ओनली क्लर्क्स. देर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ वॉट इज टॉट विच ओनली इंकरेजेस मीडियोक्रिटी. ए मियर पास विल ओनली फर्दर वर्जन द स्क्वालिड कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स हु विल कंटिन्यू टू रिमेन अनसेलेबल इन द जॉब मार्केट्स. जो आपको पता होनी ज़रूरी है. बस ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यू कैन इवन शेयर इट योर फ्रेंड्स. 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए. आप देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा. अगला देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड एन्जॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थाट्स. थिंक जॉयफुल थाट्स, थिंक लविंग थाट्स, लेट द जेनरॉसिटी ऑफ गुडविल रन थ्रू योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन. थ्रो ऑफ योर जेलसीज, योर सस्पिशियंस, योर वरीज, योर हेट्रेड, योर सेल्फिश इंटेलिजेंसेस एंड यू विल पुट अवे योर इंडिजेशन, योर सिकनेस, योर वरीज एंड डिस्पेयर. इफ यू विल इंडल्ज इन क्लिंगिंग टू दीज अनहेल्दी एंड डीमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड्स, देन डू नॉट कंप्लेन वेन योर बॉडी इज लेड डाउन विथ सिकनेस. जो आपको पता होनी ज़रूरी है. अगला देखिए, द राजस्थान हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट संथारा द जैन रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरीली अटेन्यूइंग वंस सेल्फ अन टू डेथ. जो आप जानते हैं, जो कि संथारा को पहले हम क्या कहते थे, एक संलेखना भी कहते थे, जो कि जैन में आप देख सकते हो. ये इस तरह का संथारा आप यहाँ देख सकते हो, वहाँ पर संलेखना महावीरा ये सब आप जानते ही हैं. वो अपने अन टू डेथ तक वो फास्टिंग रखते हैं. अमाउंटेड टू अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड, जैन बिलीवर्स आर्ग्यू दैट संथारा इज़ नॉट सुइसाइड बिकॉज इट इज़ नॉट कटिंग और शॉर्ट द नेचुरल स्पैन ऑफ लाइफ और एन एक्ट ऑफ सेल्फ वायलेंस अंडरटेकन. एक किस्म का इथनेशिया भी कह सकते हैं, अंडरटेकन इन वर्ल्डली दैट पनिशेस दोज अराउंड वन. इट इज़ एन एक्ट ऑफ पीस एंड ऑफ गिविंग अप द बॉडी एंड ट्रेडिशंस पैशंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी. अनलाइक अब्रमिक रिलीजन, धार्मिक ट्रेडिशन लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डू नॉट हैव ए सेंस दैट गॉड हैज़ ए क्लेम ऑन लाइफ. दे अकोमोडेट ए विलिंग रिनंसिएशन. सर्टेनली कोएर्शन हैज़ नो प्लेस इन सच एन अरेंजमेंट एंड द IPC हैज़ एम्पल प्रोविजन्स टू क्रिमिनलाइज एंड चेक सच एक्ट्स. जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है. बस दोस्तों, ये 10 आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आएंगे. बस ये ऑर्डर्स आप चेक कर लो क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, और ये आपको जो भी इंसर्ट करना है रेस्पेक्ट रेलेवेंट जो भी रहेगा वर्ड्स, उसको करने की कोशिश करो. अपने आप काफ़ी फ़ायदा होगा. जय हिंद, जय भारत.